नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये हमारा रेट एनालिसिस सीरीज का 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें इंटरनल प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, सीलिंग प्लास्टरिंग, ये सबका डिटेल देखेंगे। पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट आता है और उसके साथ ही कितना सीमेंट लगता है, कितना सैंड लगता है, ये सब हम डिटेल देखेंगे। आज हम रेट एनालिसिस ऑफ प्लास्टर के बारे में बात करेंगे। प्लास्टरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले बेसिक रेट्स लेते हैं, मटेरियल यूनिट रेट्स। सीमेंट का हमने 320 रुपीज़ पर बैग को कंसिडर किया, सैंड का 2473 रुपीज़ 50 पैसा पर क्यूबिक मीटर, 26 गेज जीआई चिकन मेश यहाँ जॉइंट पे जो लगाना ज़रूरी है, यहाँ मैसनरी और आरसीसी का जॉइंट रहता है वहाँ, तो उधर 75 रुपये स्क्वायर मीटर है। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड 60 रुपये केजी कंसिडर किया है। ये अलग अलग टाइप के वाटर प्रूफिंग कंपाउंड रहता है, जो मेंशन किया, जो रेफर किया, वही अपने को यूज करना रहता है। अब ये कैसा है, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर विथ 1:6 रेशो टू ब्रिक मैसनरी, कॉन्क्रीट मैसनरी, एरोकॉन मैसनरी, इसमें अपने को करना है। तो रेट एनालिसिस पर 1 square meter सीमेंट कितना लगता है, तो सीमेंट कितना 1 × थिकनेस कितना है 0.012 डिवाइडेड बाय 7, 1:6 है, इंटू 1.54। ये वेट सीमेंट, वेट और ड्राई सीमेंट मॉटर का रेशो 1.54 इंटू 1440, मतलब डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 डिवाइडेड बाय 50, तो सीमेंट का क्वांटिटी इतना आ गया बैग रेट अमाउंट। सैंड का कितना आ गया, तो सीमेंट का जितना आता है उससे 6 गुना 1:6 है। तो ये बैग्स में है तो क्यूबिक मीटर कन्वर्ट करने के लिए इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 6, तो इसके हिसाब से सैंड का आ गया अरे 2473 रेट या अमाउंट आ गया। वेस्टेज 10% कंसिडर किया। चिकन मेश हमको 150 mm थिक का जनरली अवॉइड लगाते हैं, तो 15% हमने कंसिडर किया है, तो इसमें मेंशन किया है 150 mm वाइड, तो 0.15 कंसिडर किया, 0.15 square meter 75 रुपये रेट है और ये अमाउंट आ गया। स्कैफोल्डिंग और ढांचा 1 square meter का 15 आ गया, और लेबर और प्लास्टरिंग 1 square meter का हमने 14 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ा, तो 10 स्क्वायर मीटर में 151 आ गया, तो उसके हिसाब से अपने को लेबर रेट आ गया और टोटल रेट आ गया 247। ओवरहेड और प्रॉफिट 15% ऐड किया तो 37, तो 284 ऐड करके आ गया, तो रेट पर स्क्वायर मीटर 284 आ गया, ये ध्यान में रखिए। इसके बाद 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टर सीमेंट मोर्टर 1:6, इसमें कैसे रहना है, 15 mm मतलब सेम 1 × 0.015 डिवाइडेड बाय 1+6 इंटू 1.454 इंटू 1440 डिवाइडेड बाय 50, तो सीमेंट क्वांटिटी ये बैग पर रेट और ये अमाउंट। सैंड का वैसा ही इंटू 1:6 है, तो इंटू 6 क्यूबिक मीटर रेट अमाउंट, 10% वेस्टेज। चिकन मेश जो जी आई चिकन मेश 0.15 मतलब 150 mm थिक है उसके हिसाब से, और 75 रुपये रेट है, और इसमें लेबर हमने कंसिडर किया है 16 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मतलब 16 × 3.764 172 रुपये स्क्वायर मीटर। स्कैफोल्डिंग और ढांचा का हमने 15 रुपये कंसिडर किया है, और टोटल आ गया 283। ओवरहेड प्रॉफिट 15% तो 42 ऐड कर दो तो 326 आ गया, तो टोटल रेट आ गया 326 रुपये। अभी इसमें 12 mm थिक का 1:3 सीलिंग प्लास्टर देखेंगे, तो उसका कैसे एनालिसिस करते हैं। सेम सीमेंट का 1 × 0.012 × 1+3 × 1.54 × 1440 × 50 × 50 = 0.13 बैक रेट अमाउंट। सैंड का × 3 आएगा ये 1:3 क्यूबिक मीटर रेट अमाउंट, 10% वेस्टेज। स्कैफोल्डिंग हैंगिंग 15 रुपये, और लेबर पर प्लास्टरिंग का सेम रेट हमने कंसिडर किया है 14 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो 151 रुपये, तो टोटल आ गया 250। ओवरहेड प्रॉफिट 38 रुपये, तो टोटल आ गया 288 रुपये, तो उसको पर स्क्वायर मीटर आ गया 288 रुपये। अभी ये 24 mm मोटर सैंड प्लास्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें दो लेयर है, फर्स्ट कोट 12 mm 1:4, तो सेम 1 × 0.012 और 12 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1440 डिवाइडेड बाई 50,
0.106 लाख 320 रुपए। सैंड का 1:4 किया तो क्यूबिक मीटर 74। वेस्टेज 5%। वाटर पंपिंग कंपाउंड इसमें उसमें मेंशन किया है तो इसलिए 4% पकड़े हैं। वाटर पंपिंग कंपाउंड इसमें कुछ मेंशन नहीं किया सॉरी, इसलिए 0 है। और सेकंड कोट में सीमेंट 1:3 है, इसलिए इंटू 1 इंटू 0.12 और 12/1000 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 1440 / 50। सैंड का 1:3 इसलिए इंटू 3। वेस्टेज 5%, इसमें वाटर पंपिंग कंपाउंड नहीं है। चिकन मेश 0.15 स्क्वायर मीटर तो, और इसमें स्क्रैच कोट प्लास्टर है, 1 स्क्वायर मीटर का ₹5। लेबर हमने एक कितना किया है, 22 रुपये स्क्वायर फीट पकड़ा है, तो 22 × 10.764 ₹237 आ गया। ये सैंड प्लेस प्लास्टर, इसलिए स्क्रैच कोट प्लास्टर, चिकन मेश ये सब यूज करना पड़ता है। और इसके बाद एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग का हमने ₹15 पकड़ा है। ओवरहेड प्रॉफिट 15%, टोटल 423 और ये 64 487 रुपये, तो रेट पर स्क्वायर मीटर आ गया 487 रुपये। तो उसके हिसाब से प्लास्टरिंग आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। सबसे पहले सीमेंट सैंड, उसके बाद लेबर, उसके बाद स्कैफोल्डिंग और कुछ वाटर पंपिंग कुछ है तो ऐड करना है और स्कैफोल्डिंग ऐड करना है। तो दोस्तों आपने देखा ये प्लास्टरिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।